Xiaomi 14 इज द लेटेस्ट एडिशन टू द एंड्रॉइड वर्ल्ड और ये एक छोटा या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसके अंदर बहुत सारे कमाल के स्पेसिफिकेशंस जो है दिए गए हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है इसका फ्लैगशिप लेवल कैमरा एक्सपीरियंस। इसकी प्राइसिंग भी जो है इंडियन मार्केट में जो है काफी अग्रेसिव रखी गई है और प्राइसिंग को देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि ये डायरेक्ट कंपटीटर है पिक्सल 8, गैलेक्सी S24 और आईफोन 15 का। तो क्या Xiaomi 14 जो है अपनी यूनिकनेस को जो है मेंटेन रख पाता है अमंग ऑल दिस फैंटास्टिक डिवाइसेज? लेट्स फाइंड आउट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जो है जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कैमरा से ही इस वीडियो की जो है शुरुआत कर लेते हैं। Xiaomi 14 में आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और वो OIS के साथ आता है। ये एक्चुअल में एक लाइट हंटर 900 सेंसर है। इसका मतलब कि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट ये अपने अंदर ले सकता है, तो लो लाइट शॉट्स जो है काफी कमाल के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि 115 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है और 50 मेगापिक्सल का ही एक 3.2x टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिलता है और OIS मौजूद होने के कारण टेलीफोटो लेंस से आप क्लोजअप यानी कि मैक्रो शॉट्स जो है ले सकते हैं। Xiaomi के साथ लाइका की पार्टनरशिप होने के कारण आपको फोटोज वगैरह में उसका कलर साइंस भी देखने को मिल जाता है। फोटोज में डिटेल्स काफी मिल जाते हैं आपको विद गुड अमाउंट ऑफ HDR। पोर्ट्रेट्स आर वेरी नेचुरल और बहुत सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं कैमरा में। साथ ही बहुत सारे अमेजिंग फिल्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्टर है वो काफी कमाल का है। इतना कमाल का है कि यू विल एंड अप क्लिकिंग मोर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लो लाइट परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है और जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये तीनों कैमरास में ही आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये फोन आपको मजबूर करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है फोटोज क्लिक करें। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों तो मेन कैमरा से 8K अप टू 24 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा तीनों लेंसेज से ही 4K 60 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब प्रो मोड भी कैमरा में अवेलेबल है प्रोफेशनल्स के लिए, साथ ही सुपर स्लो मोशन वाले वीडियोस भी आप निकाल सकते हैं। और वीडियो के बारे में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये फोन एक जीता जागता प्रूफ है कि एंड्रॉइड फ्लैगशिप से जो वीडियोस निकल कर आ रहे हैं आजकल वो हर साल बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं और फ्लैगशिप आईफोन्स के वीडियो आउटपुट के काफी क्लोज आ चुके हैं। एंड आई थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि कुछ समय के बाद ये आईफोन्स की वीडियो क्वालिटी को जो है सरपास भी कर जाएंगे। फ्रंट कैमरे की बात करें दोस्तों तो 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है और काफी अच्छी सेल्फीज ये निकाल कर देता है आपको। मतलब स्किन टोन्स भी काफी नेचुरल रहते हैं, डायनेमिक रेंज भी जो है काफी अच्छा है फोटोज में और डिटेल्स भी जो है बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा से भी आप 4K अप टू 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जो मेरे भाई ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ये काफी यूजफुल साबित हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट द कैमरा परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स जो है रिलीज हो रहे हैं दोस्तों उसके कंपैरिजन में डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा छोटा है, यही रीजन है कि इसे स्मॉल कहा जा रहा है। 6.36 इंचेस की आपको एक 1.5K OLED पैनल देखने को मिलती है और ये एक LTPO पैनल है यानी कि 120Hz से 1Hz तक ये स्विच हो सकती है। बट कुछ एप्स ऐसे हैं जो कि 60Hz पे ही जाके लॉक्ड हो जाते हैं। आई होप के एक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये इशू जो है जल्द से जल्द वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है और 68 बिलियन कलर्स जो है शो करती है। ये एक होल पंच डिस्प्ले है और बेजल्स जो है वो सुपर थिन है, मतलब कि एक फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करती है। पैनल काफी ज्यादा शार्प भी है, 460 की जो है PPI डेंसिटी आपको देखने को मिल जाती है और जो पीक ब्राइटनेस है वो यहाँ 3000 निट्स तक चली जाती है। सो बेसिकली इट इज अ वेरी हाई क्वालिटी डिस्प्ले विद वेरी नाइस कलर रिप्रोडक्शन। डिजाइन और बिल्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। आई नो कि मैं ये बार बार कह रहा हूँ, काफी अच्छा इन हैंड फील है इस डिवाइस का, मतलब छोटा सा कॉम्पैक्ट सा। साथ ही प्री इंस्टॉल एक स्क्रीन गार्ड भी इसमें आता है, काफी अच्छी चीज है। फ्रंट में जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट दिया गया है। बैक ग्लास के बारे में कुछ यहाँ पे कहा नहीं गया है, लेकिन हाँ ग्लास है। चारों तरफ जो है एल्यूमिनियम्स की फ्रेमिंग आपको देखने को मिल जाती है। तीन कलर्स में अवेलेबल है। इसका जो व्हाइट और ग्रीन कलर है दोस्तों उसमें बैक साइड में आपको ग्लास देखने को मिलेगा, जबकि जो ब्लैक कलर है उसके बैक साइड में आपको सिलिकन पॉलीमर देखने को मिलेगा। तो सॉफ्ट टच जो है प्रोवाइड करता है और फिंगरप्रिंट्स को जो है अट्रैक्ट नहीं करेगा ब्लैक वर्जन। इसके अलावा इस फोन में आप दो नैनो सिम लगा सकते हैं या फिर आइदर एक नैनो सिम और एक ई सिम लगा सकते हैं। IP68 की जो है डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। चार्जिंग की बात करें दोस्तों तो USB-C 3.2 जनरेशन 1 यहाँ पे आपको दी गई है। कैमरा मॉड्यूल का जो साइज है और जो कैमरा बम्प है वो काफी ज्यादा ह्यूज है, जिसके कारण जो है फ्लैट सरफेस पे जो है बहुत वॉबल भी करता है।
और डिवाइस का जो वेट है वो 198 ग्राम्स के अराउंड है। डेफिनेटली इसका जो बिल्ड है वो काफी प्रीमियम फील जो है प्रोवाइड करता है। Xiaomi 14 में आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है Snapdragon 8 Gen 3, यानी कि गेमिंग आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे जो है कर सकते हैं विथ कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स। हाँ, वाइल गेमिंग जो है स्लाइटली वार्म फील होता है डिवाइस, लेकिन ज्यादा हीट नहीं करता है, ये अच्छी चीज है। इसके अलावा डे टू डे टास्क में तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ और स्नैपी फील देता है। इट इज वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स, यानी गेमर्स जो है एक रिस्पेक्टेबल फ्रेम रेट्स पे इस डिवाइस के जरिए अपनी ऑनलाइन गेमिंग को जो है स्ट्रीम भी कर सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए। रैम और स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो अभी फिलहाल जितना भी मैंने चेक किया है Amazon और Flipkart दोनों पे, सिर्फ इसका एक ही वेरिएंट जो है अवेलेबल है, जो कि 12GB की LPDDR5X की रैम और 512GB की UFS 4.0 की स्टोरेज के साथ आता है। इसके अलावा इस फोन में वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट है, यानी कि 8GB तक आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो ये Xiaomi के HyperOS 1.0 पर रन करता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि Android 14 पर बेस्ड है। इसके अलावा ब्रांड यहाँ पे प्रॉमिस कर रही है 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स और 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के। मेरे हिसाब से हर वो ब्रांड जो आज के जमाने में Samsung, Apple या फिर इवन Google से जो है कम्पीट करना चाहती है अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस को, उन्हें एटलीस्ट जो है 5 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने ही चाहिए अपने स्मार्टफोन्स में। और इस मामले में Xiaomi 14 जो है वो हल्का सा जो है पीछे रह गया है। HyperOS की जहां तक बात करें दोस्तों, तो MIUI 14 के कंपैरिजन में काफी हल्का सा फील होता है। मेरे हिसाब से बहुत हद तक ये iOS से जो है इंस्पायर्ड भी है। फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे AI बेस्ड फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और कमाल के लॉक स्क्रीन जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं। सो ओवरऑल द सॉफ्टवेयर इज प्रीटी गुड करेंटली, आई होप इट विल इम्प्रूव मोर इन फ्यूचर। अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपको Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है रीजन के अकॉर्डिंग। स्टीरियो स्पीकर्स का यहाँ पे जो सेटअप है उनमें साउंड सेपरेशन और क्लैरिटी दोनों ही काफी कमाल की देखने को मिलती है। 5G कनेक्टिविटी और कॉल क्वालिटी भी यहाँ पे ठीक ठाक है और थ्रू आउट द स्मार्टफोन जो हैप्टिक्स है वो काफी वेल एग्जीक्यूटेड है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है, जो एज अ हार्ट रेट सेंसर भी जो है काम करता है। इसके अलावा फेस अनलॉक भी अवेलेबल है, विच वर्क्स लाइक अ चार्म एंड इट इज वेरी फास्ट। बैटरी की बात करें दोस्तों, तो 4610 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साइज के हिसाब से ठीक है। 90W की वायर्ड चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा 50W की वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। सबसे अच्छी बात अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में ये लगती है कि यहाँ आपको 120W का जो है पावर अडैप्टर मिलता है बॉक्स के अंदर और एक डिसेंट क्वालिटी का केस भी मिल जाता है फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। चार्जिंग की बात कर ले दोस्तों, तो अगर आप वायर के थ्रू चार्ज करेंगे तो लगभग 30 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वायरलेसली चार्ज करने का मन है तो 45 मिनट्स के अराउंड ये फुल चार्ज हो जाएगी। ये 10W के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, मतलब आप ईयरबड वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। बाय द वे ये 70,000 रुपए में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी। इतने सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानने के बाद दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि Xiaomi 14 जो है 2024 में अभी तक का बेस्ट कॉम्पैक्ट या फिर स्मॉल एंड्रॉयड फ्लैगशिप है और इसका ये जो क्राउन है वो सिर्फ पिक्सल 9 ही इससे छीन सकता है, क्योंकि Asus ZenFone 11 के आने का चांस तो जो है कम ही दिख रहा है। Xiaomi के जो है आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो भी इंडिया में जो है ठीक ठाक है। मुझे इस फोन में बस एक ही चीज की कमी लगी है, वो है इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन Xiaomi को लेकर एक और चीज है लोगों के माइंड में, वो ये है कि Xiaomi पहले बजट मार्केट में जो है खेलता था और काफी हद तक सक्सेस भी हुआ था उसको बजट मार्केट में। इंडिया में जितने भी उसने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स रिलीज किए वो इतने अच्छे सेल नहीं हुए हैं और ये जो मेंटालिटी हमारी बनी हुई है कि हम Xiaomi को बस एक बजट स्मार्टफोन ब्रांड के तौर पे ही देखते आ रहे हैं, तो हम इस मेंटालिटी से अभी भी उभर नहीं पाए कि यार ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स बना पाएंगे ठीक से या नहीं, या फिर इनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो है वो उतने अच्छे होंगे या नहीं, मतलब कि एप्पल सैमसंग के लेवल के। और डेफिनेटली Xiaomi 14 में अगर Xiaomi के जगह पर सैमसंग, गूगल या फिर एप्पल लिखा होता तो लोग विदाउट एनी डाउट इसे जरूर खरीद लेते। सो दोस्तों, अगर हम इस सोच से जो है उभर पाए तो डेफिनेटली Xiaomi 14 एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, क्योंकि इतने सारे स्पेसिफिकेशंस इसमें आपको मिल जाते हैं और सबसे ऊपर एक फ्लैगशिप लेवल का कैमरा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। सो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिए,
जो Xiaomi 14 को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जो है जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पीस।